नमस्कार मित्रों, आज हम इतिहास की व्याख्यान माला में आपके साथ नए प्रकरण के साथ जुड़ रहे हैं और वो नया प्रकरण है इस्लाम का उदय। संसार के नवीनतम धर्मों में से एक धर्म इस्लाम, इसका उदय कैसे हुआ, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, कौन थे इसके पैगंबरे रसूल और इस धर्म के सिद्धांत क्या थे, इन विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं, सामने आपके एक मानचित्र है, इस मानचित्र के स्थानों से आप परिचित भी होंगे। यदि हम भारतवर्ष से पश्चिम की ओर यात्रा करें तो अरब सागर के पार अरब प्रायद्वीप है। आप देख रहे हैं फारस की खाड़ी, लाल सागर और इसके बीच ये अरब का प्रायद्वीप। यहाँ पर दो स्थान हैं, मक्का और मदीना। ये दोनों इस धर्म से विशेष रूप से संबंधित हैं, इसलिए ध्यान से इन्हें देख लें। मक्का मदीना, यहाँ नीचे दक्षिण में एक देश है यमन, लाल सागर के किनारे पर स्थित हैं, ये समुद्र से पास में ही है मक्का और मदीना। ये स्थान अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है और यहाँ पर मिस्र का विस्तार है, ये मिस्र है। ऊपर हम जाएंगे उत्तर की ओर तो यहाँ पर फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और फिर ये टर्की वाला जो क्षेत्र है, ईरान का क्षेत्र फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच में आप देख रहे हैं। ये जहां कूफा लिखा है ये इलाका, ये इराक का क्षेत्र है। दजला और फरात नदी आकर के यहां फारस की खाड़ी में गिरती हैं, इराक है। इधर काला सागर और ये बाइजेंटाइन साम्राज्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य। ओके, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जो इस प्रकरण में आपके साथ हम चर्चा करेंगे, तो इन स्थानों से परिचित होना जरूरी है। इस्लाम का उदय कैसे हुआ और कब हुआ? इस्लाम धर्म के जो प्रारंभ करने वाले हैं मोहम्मद साहब, ये इस्लाम के पैगंबर माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस्लाम धर्म में 25 नबी हुए। कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है ऐसे 25 नबी या पैगंबर जो अल्लाह के संदेश वाहक माने जाते हैं, अल्लाह के संदेश को संसार में प्रचारित प्रसारित करने वाले माने जाते हैं। ऐसे 25 नबियों का उल्लेख मिलता है। मोहम्मद साहब उसमें सबसे अंतिम पैगंबर थे और ये इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की, उससे पहले आदम से लेकर के आदम, इब्राहिम, इस्माइल, इस तरह से कुल 25 पैगंबर हुए जिनका की उल्लेख कुरान शरीफ में आता है। कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब का भी नाम 4 बार आया है। तो इस तरह से अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब, जिन्होंने एक इस्लाम की स्थापना की, इस्लाम धर्म के प्रारंभ करने वाले मोहम्मद साहब के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम परिचित हो लें। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। दो बड़ी बातें कि इस्लाम के पैगंबर कितने हुए और मोहम्मद साहब आखिरी के पैगंबरे रसूल थे।
इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। इस्लाम धर्म की जो इस विभिन्न प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, हम इनके स्रोतों के बारे में परिचित हो लें, फिर इनके जीवन और इनके सिद्धांतों के बारे में परिचित होंगे। इस्लाम धर्म के स्रोत कौन से हैं जिससे हमको ये सब सारी जानकारी मिलती है? पहले जो कुरान है, जिसको कि ईश्वर की वाणी मानी जाती है, अल्लाह की वाणी मानी जाती है। कुरान कहते हैं कि आसमान से नाजिल हुई, इसे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, ये ईश्वर की वाणी है। दूसरा सिरा, तीसरा स्रोत है तफसीर, जो कुरान पर टीकाएं लिखी हैं, कुरान के ऊपर लिखी हुई टीकाएं, सिरा, कुरान, हदीस। कहीं हदीस लिखा होता है, कहीं हदीथ, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मोहम्मद साहब के जो कथन हैं, जो मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया या जो उन्होंने कार्य किए, उनके आचरण, ओके। सिरा मोहम्मद साहब का जीवन वृतांत है। ये ऐसे स्रोत हैं जिनसे कि हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक सामग्री, जो मक्का और मदीना में पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, मुद्राएं मिली हैं, कुछ यूनानी और अरबी के पेपायरस, ऐसे पुस्तकें जो अभिलेख के रूप में हैं, कुछ ऐसे अभिलेख, गेनिजा अभिलेख उसे कहते हैं, जिससे अरबों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये स्रोत हैं जिन स्रोतों के आधार पर इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। कुरान शरीफ, सिरा मोहम्मद साहब का जीवन वृतांत, तफसीर क्या है, कुरान पर लिखी हुई इस्लामी विद्वानों की जो टीकाएं हैं उससे जानकारी मिलती है, मोहम्मद साहब के कथन और कृत्यों हदीस से जानकारी मिलती है, पुरातात्विक सामग्री से, मुद्राओं से, पेपायरस और गंजा अवलेख से। अब जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इन सभी स्रोतों के ऊपर आधारित है। तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला इब्न अब्द अल मुतालिब। अब्दुल्ला इब्न अब्द अल मुतालिब, और जो इनकी माँ थी उनका नाम था अमीना। तो मोहम्मद साहब इनकी संतान थे। मोहम्मद साहब का जो कबीला था, कुरैश कबीला था, ये मक्का का बहुत सम्मानित, बहुत प्रसिद्ध कबीला था। कबीला किसको कहते हैं, इसको भी जान लें। अरब का जो ये समाज था, जो यहाँ ये अरब जो क्षेत्र था, यहाँ का समाज कबायली आधार पर संगठित था। कबीला कहते हैं रक्त संबंध, रक्त संबंध के आधार पर संगठित समुदाय, अर्थात ऐसे लोगों का संगठन जिनका कि पूर्वज एक रहा हो, मतलब एक माता पिता से उत्पन्न संतान, जिनके कि फोर फादर एक रहे हों और उनका परिवार बढ़कर के 100, 200, 1000, 2000 का संख्या हो गई हो, और वो लोग संगठित होकर के एक अपना समुदाय बना करके रहते हैं, तो उसको कबीला कहते हैं। तो रक्त संबंध के आधार पर यहां अरब में छोटे छोटे कबीले थे, और उन कबीलों का एक मुखिया होता था।
जिसको कि शेख कहा जाता था। कबीले का एक मुखिया होता था जिसे कि शेख कहते थे, और इस मुखिया का जो चुनाव होता था उसकी बहादुरी, उसके नेतृत्व शक्ति की क्षमता, उसकी उदारता ऐसे मानवीय गुणों के आधार पर होती थी। क्यों? क्योंकि इन कबीलों के बीच प्रायः युद्ध आदि होते रहते थे, और ऐसे समय में जो कबीले का नेता हो वो नेतृत्व कर सके, अपने कबीले की रक्षा कर सके, अपने कबीले के लोगों को संरक्षण दे सके, उनकी सहायता कर सके, तो जिस व्यक्ति में ये सारे गुण होते थे उनको शेख बनाया जाता था। समाज कबायली था, शिक्षा की व्यवस्था थी नहीं, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, विभिन्न प्रकार की अंधविश्वासों के साथ साथ बहुदेववाद, बहुत से ईश्वर की आराधना, हर कबीले के अपने अपने देवता होते थे, और ये लोग मूर्ति के रूप में मूर्ति पूजा करते थे। कबीले ये मूर्ति पूजक होते थे, और जो अशिक्षित समाज की और भी समस्याएं होती हैं, लड़कियों की खरीद फरोख्त करना, जुआ खेलना, हत्याएं करना, युद्ध करना, इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां थी इस समाज में थी। और चूंकि ये अरब प्रायद्वीप ऐसा है कि अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तानी है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत हरा भरा भाग है, ऐसे क्षेत्रों को नखलिस्तान कहते हैं, जहाँ थोड़ी हरियाली मिलती है या खजूर के वृक्ष मिलते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय था या तो पशुपालन या वो व्यापार करते थे, शेष कृषि आदि यहाँ पर नहीं हो सकती थी, तो इसलिए व्यापार और पशुपालन पर ही लोगों का जीवन निर्भर था। इन कबीलों में आपस में अक्सर अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए युद्धाद भी होते रहते थे, ऐसा समाज था। किंतु जो कुरैश कबीला था ये सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित कबीला था, और उसका कारण ये था कि जो मक्का शहर था, मक्का शहर का जो मुख्य धार्मिक स्थल था, हर कबीले के मैंने बताया कि कोई ना कोई एक देवता था जिसकी सब लोग पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, तो कुरैश कबीला का जो धार्मिक स्थल था वो मक्का में था, जिसको आज हम काबा के नाम से जानते हैं। वो काबा कुरैश कबीले का धार्मिक स्थल था, और काबा की जो महत्ता थी, काबा की जो प्रसिद्धि थी वो सबसे ज्यादा थी। क्यों? काबा को सबसे महत्वपूर्ण, मक्का में स्थित काबा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। इसका कारण ये था कि आसपास के जितने भी कबीले थे वो लोग साल भर में एक बार अपने अपने देवस्थलों की मूर्तियों को काबा में ला करके स्थापित करते थे। जो काबा था, हर कबीले के लोग अपनी देव मूर्तियों को यहाँ ला करके स्थापित करते थे, एक प्रकार से देवों का विमान निकलता था और उसकी यात्रा काबा तक आती थी। वहाँ कुछ दिन तक मूर्तियाँ रखी जाती थी और उसके बाद वो सारी मूर्तियाँ अपने कबीले के लोग ले जाते थे। दूसरा, यमन, ये देखिए दक्षिण पूर्व में यमन, यमन से लेकर के सीरिया तक जाने वाला जो रास्ता था, इस रास्ते पर काबा आता था। काबा इस रास्ते से पास में था, इस रास्ते से गुजरता था। तो जो लोग व्यापारी या धार्मिक यात्रा करने वाले लोग जाते थे सीरिया तक, वो मक्का होकर के गुजरते थे, इसलिए मक्का उनके रास्ते पर था, इसलिए मक्का शहर का भी विकास हुआ और साथ साथ इस धार्मिक स्थल का भी विकास हुआ। चूंकि धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ करना, धार्मिक स्थल की जिम्मेदारी वो सब कुरैश कबीले के पास थी, इसलिए कुरैश कबीला सबसे सम्मानित और सबसे शक्तिशाली कबीला था, जिससे मोहम्मद साहब का संबंध था। ओके, मोहम्मद साहब के पिताजी ने मोहम्मद साहब को व्यवसायिक कार्य में लगाया,
जिससे कि वो अपनी जीविका अर्जित कर सके, और वो एक सौदागर के साथ मोहम्मद साहब व्यापार करने लगे। प्रारंभिक जीवन जो मोहम्मद साहब के 40 वर्षों का जीवन है, 40 वर्ष का प्रारंभिक जीवन उनका एक व्यापारी के साथ व्यापारिक कार्य में लगे हुए एक इंसान की जिंदगी थी। मोहम्मद साहब की इस दौरान शादियां भी हो गई, आयशा बेगम और दूसरे बेगम जैनब बेगम इनसे शादियां भी हो चुकी थी। मोहम्मद साहब व्यापारी कार्य में लगे हुए थे और इसी दौरान मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी के बाद सांसारिक कार्य से धीरे धीरे विरक्ति होने लगी। मक्का के बाहर पहाड़ियां हैं, मोहम्मद साहब कई बार शांत के लिए उन पहाड़ियों में चले जाते थे और कहते हैं कि इन्हीं पहाड़ियों में जिब्राइल नामक देवदूत ने मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश दिया। जिब्राइल नामक देवदूत ने मोहम्मद साहब को खुदाया अल्लाह का संदेश दिया और उसके बाद मोहम्मद साहब को सांसारिक कार्यों से वैराग्य हो गया। मोहम्मद साहब ने 612 में अपने आप को रसूल घोषित कर लिया। रसूल मतलब पैगंबर का संदेश वाहक, पैगंबर जो अल्लाह का संदेश वाहक, पैगंबर नहीं, अल्लाह का संदेश वाहक, जो अल्लाह का संदेश है उसका प्रचार प्रसार करने वाला। मोहम्मद साहब ने लोगों को बताया कि उन्हें अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ है और ईश्वर एक है। अब मोहम्मद साहब ने उपदेश देना चालू कर दिया 612 से। 612 ईस्वी में उन्होंने उपदेश दिया, पहला कि ईश्वर कौन है, अल्लाह के रूप में है और वो एक है। अल्लाह एक है और वो मूर्त के रूप में नहीं है। अब देखिए, अरब का जो ये क्षेत्र था कबायली था, हर कबीले के अपने अपने देवता थे, कबीलों के लोग मूर्त पूजा करते थे। मोहम्मद साहब का कहना था कि ईश्वर मूर्त के रूप में नहीं है, अलग अलग रूप में नहीं है, वो एक है और वो निराकार है। ओके, अल्लाह एक है, निराकार है, मूर्त के रूप में नहीं है। तो जो लोग अनेक देवी देवताओं के उपासक थे, बहुदेववाद के उपासक थे, उन लोगों ने मोहम्मद साहब के कथन का विरोध करना चालू किया। मोहम्मद साहब ने 612 से लेकर के 622 ईस्वी तक मक्का में एक ईश्वर का संदेश प्रचारित प्रसारित किया, लेकिन इस बीच उनके विरोधियों की संख्या बढ़ती गई। जो अरब प्रायद्वीप के शक्तिशाली लोग, संपन्न लोग थे, जो अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे, विरोध इतना बढ़ गया कि मोहम्मद साहब को लगा कि उनकी जान को खतरा है। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़ दिया, अपने समर्थकों के साथ वो मक्का से मदीना चले आए। यह यात्रा मोहम्मद साहब की हिजरत कहलाती है, इसको कहते हैं हिजरत। मक्का से मदीना जाने की यात्रा हिजरत कहलाती है। कब हुई? 622 ईस्वी में, और इसी समय से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मानते हैं। जो इस्लामी कैलेंडर है हिजरी संबत वाला, हिजरी संबत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। किस घटना से? मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की घटना से। और जो हिजरी संबत है ये चंद्र पंचांग के आधार पर आधारित है।
चंद्र की गति, चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित है, और इसमें भी 12 महीने हैं। इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने हैं जो चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होते हैं, और इसका पहला महीना मुहर्रम से लेकर के आखिरी महीना धुलहिज्जा, मुहर्रम से लेकर के धुलहिज्जा तक 12 महीने हैं। तो यात्रा हिजरत कहलाती है। इस्लामी कैलेंडर हिजरत की शुरुआत हुई, मोहम्मद साहब चले आए मदीना, और यहाँ उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू किया। और मोहम्मद साहब का जो संदेश था वो बड़ा सरल था। इस्लाम की जो पूजा पद्धति थी, इस्लाम में जो इबादत का तरीका था, वो बहुत आसान था, इसलिए इनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। इबादत का तरीका क्या था? वो कहते थे कि ईश्वर की प्रार्थना, दैनिक प्रार्थना जरूरी है। दिन में ईश्वर की प्रार्थना, जिसको सलत कहते थे, 5 बार ईश्वर को याद करना, नमाज पढ़ना जरूरी है। अच्छा, उसके लिए किसी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उनका कहना था कि काबा की तरफ मुंह करके हम ईश्वर की इबादत कर सकते हैं, और उसके लिए ना किसी पूजन सामग्री या किसी पांडित्य कर्म इसकी आवश्यकता नहीं थी। ईश्वर को सच्चे दिल से कहीं भी आप याद कर सकते हैं। ये तो दैनिक प्रार्थना। दूसरा, उनके कुछ नैतिक आचार विचार के नियम थे। ईमानदारी करना, चोरी न करना, और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान देना, जकात। जकात देना, चोरी न करना, ईमान बनाए रखना, और ईश्वर की प्रार्थना करना। तो ये सब ऐसे तरीके थे जो आम आदमी को बड़े सरल लगते थे, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव, ऊंच नीच का कोई ऐसा अंतर नहीं था। तो इनके समर्थकों की संख्या काफ़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी, और मदीना में इनका एक बड़ा समुदाय ऐसा हो गया जो मोहम्मद साहब को मानता था, जो ईश्वर को मानता था, उसको कहा गया उम्मा। उम्मा का अर्थ है ऐसा समाज जो ईश्वर को मानता हो, ऐसा समुदाय जो आस्तिकों का समुदाय हो, जो ईश्वर को माने। मोहम्मद साहब का कहना था कि ईश्वर एक है, और इनके समर्थक और मोहम्मद साहब मानते थे ईश्वर को, तो इनके समर्थकों के जो संगठन था उसको उम्मा के नाम से जाना गया। मदीना में इनके समर्थकों का बढ़ता हुआ प्रभाव और ये सब देख करके मक्का के लोगों को भी लगा कि हमने गलत किया, मोहम्मद साहब को जाना पड़ा। मोहम्मद साहब ने अपने समर्थकों के साथ अपने जो धर्म था, जिसको इस्लाम नाम दिया गया, इस्लाम का अर्थ है शांति। इस्लाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह शांति, और इसके समर्थकों को मुस्लिम मुसलमान मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान दुरुस्त हो, जो सत प्रतिशत ईमानदार हो। मोहम्मद साहब ने क्या शिक्षा दी थी कि हमें ईमानदारी बरतना है, नैतिक नियम में उसमें ईमान पर विशेष बल था, चोरी ना करने पर बल था। तो जो इनके समर्थक थे वो पूरी तरह से ईमान को, वो इस्लाम धर्म का एक स्तंभ मानते थे। तो ऐसे इनके समर्थक मुस्लिम या मुसलमान के नाम से जाने गए। मोहम्मद साहब ने अपने समर्थकों के साथ मदीना से मक्का कूच किया। 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का पुनः आ गए, और 2 वर्ष तक इन्होंने मक्का में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। मक्का के लोग भी इनके अनुयायी बन गए। मक्का के लोग और आसपास के ऐसे कबीले जो खानाबदोश कबीले थे, ऐसे खानाबदोश कबीलों को बेदुइंस कहा जाता था, ऐसे लोग जो इस्लाम को नहीं मानते थे, नान अरबी थे, उनको मवाली कहा जाता था। तो मवाली लोग, बेदुइंस लोग, सब लोग इस्लाम के झंडे के नीचे आ गए। बड़ी संख्या इनकी हो गई, मोहम्मद साहब के समर्थकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। 632 तक मोहम्मद साहब ने जो है यहाँ पर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया।
इन्होंने इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत बताए। इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन? पहला मैंने बताया था दैनिक प्रार्थना, सलत, 5 बार नमाज। पहला सिद्धांत 5 बार नमाज, अल्लाह एक है इसमें विश्वास। कलमा में विश्वास, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है इसमें विश्वास। 5 बार नमाज, रोजा रखना, रमजान के महीने में व्रत रखना, हज की यात्रा करना, जीवन में एक बार अवश्य मक्का मदीना की यात्रा करना। ये 4 सिद्धांत। 5वां सिद्धांत था जकात अदा करना। इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत मोहम्मद साहब ने बताए कि हर इस्लाम के समर्थक को पहले तो अल्लाह में विश्वास करना, ईश्वर एक है और उसके सिवा कोई उसका रूप नहीं है। दूसरा 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजा रखना, हज की यात्रा करना, जकात अदा करना। ये इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत मोहम्मद साहब ने बताए। मोहम्मद साहब के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और इसी बीच मोहम्मद साहब ने ये मक्का मदीना से लेकर के सीरिया तक का जो क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। ये देख रहे हैं आप जेरूसलम, जेरूसलम में यहां 632 ईस्वी में टेंपल माउंट जहां बड़ी प्रसिद्ध मस्जिद है अलक्सा मस्जिद, जेरूसलम की जो अलक्सा मस्जिद है पहले वो यहूदियों का केंद्र था, तो अलक्सा मस्जिद एक पहाड़ी पर है जिसको कहते हैं टेंपल माउंट। यहां पर मोहम्मद साहब ने ध्यान लगाया और कहते हैं कि 632 ईस्वी में, जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब यहीं से सदेह स्वर्ग चले गए। उसी स्थान पर इस्लाम धर्म के लोगों ने उस यहूदी मंदिर को सब समाप्त करके वहां पर उन्होंने अलक्सा मस्जिद बनाई। तो टेंपल माउंट से मोहम्मद साहब का स्वर्गारोहण हो गया। मोहम्मद साहब ने एक जो बड़े समुदाय उम्मा का संगठन किया जिसके कि समर्थक इस्लाम धर्म, इस्लाम और समर्थकों को मुस्लिम कहा जाता था, अब इसका नेतृत्व कौन करे? क्योंकि मोहम्मद साहब के कोई पुत्र नहीं था, मोहम्मद साहब की पुत्री थी फातिमा, तो मोहम्मद साहब के कुछ जो मित्र थे वो चाहते थे कि फातिमा और फातिमा के जो वंशज हैं वो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने, और दूसरे लोग चाहते थे कि जो मोहम्मद साहब के जो निकटस्थ मित्र थे वो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने। इस बात को लेकर के उत्तराधिकारी कौन बने, इस्लाम धर्म के समर्थकों के बीच मतभेद हो गया। लेकिन जो मोहम्मद साहब के मित्रों के समर्थक थे, जो चाहते थे कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं, खलीफा, खलीफा मीन्स उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब के जो मित्र हैं उनको उत्तराधिकारी बनाया जाए, उनका जो पक्ष था वो हावी था, फातिमा और उनके वंशज उनको उत्तराधिकार नहीं मिल पाया, और मोहम्मद साहब के स्वर्गारोहण के बाद 632 ईस्वी के बाद इस्लाम का नेतृत्व खलीफाओं ने किया। तो 632 से लेकर के 661 ईस्वी तक अरब का जो साम्राज्य था वो खलीफाओं के नेतृत्व में रहा। खलीफाओं ने राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया। खलीफाओं का राज्य अरब में स्थापित हो गया और उन्होंने मोहम्मद साहब द्वारा उपदेशित इस्लाम का
प्रचार प्रसार और कैसे किया, कौन कौन से खलीफा हुए, उन खलीफाओं की क्या नीतियां थी, उस पर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। कौन से खलीफा थे और उन्होंने इस्लाम का प्रचार कैसे किया जो आज संसार का दूसरे नंबर का प्रमुख धर्म बन गया। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें। थैंक्स।